सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी है। टॉप कॉलेज एडमिशन सेंटर हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। चिन्मय विद्यालय बोकारो को नाबेत राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, जो इस प्रतिष्ठित प्रमाणन को प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला विद्यालय बन गया है। नाबेत भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI की एक शाखा है, जो भारत सरकार के तत्वावधान में काम करती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए समर्पित है। नाबेत से मान्यता चिन्मय विद्यालय के उच्च शैक्षिक और परिचालन मानकों के पालन का एक शक्तिशाली समर्थन है। चिन्मय विद्यालय बोकारो के प्रधानाचार्य सूरज शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में बताते हुए कहा कि ये हमारे स्कूल को नाबेत एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिला है। नाबेत इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके तहत हम लोगों ने काफ़ी स्कूल में स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, और जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेते हैं तो वी हैव अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिक्योरिटी नॉर्म्स जो हम लोग स्कूल में फॉलो करते हैं। टीचर्स का रिक्रूटमेंट अगर आप लेते हैं तो वी फॉलो अ सिस्टम, वी फॉलो अ पॉलिसी, और कोई भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट जो होती है वो डिफरेंट फेजेस से वो गुजरते हैं। उनका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, सेमिनार होता है, और क्लास में उनका डेमो क्लास भी लिया जाता है, स्टूडेंट्स फीडबैक होता है। इनफैक्ट हम लोग हर एंगल से उसको असेस करते हैं एंड देन वी फाइनली रिक्रूट एनी टीचर। रिक्रूटमेंट के बाद भी प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है, उनके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होती है, सिस्टम फॉलो करते हैं, क्लास में क्या पढ़ाना है उसका एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है, क्लास में कैसे पढ़ाना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, कॉपी करेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, हर चीज़ का हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और नाबेत का यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसको हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी इन्वॉल्व करके, सभी टीचर्स को इन्वॉल्व करके ये सर्टिफिकेशन हम लोगों को मिला है। इसका श्रेय जो है हमारे मैनेजमेंट को जाता है। दे थिंक अबाउट दी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड मोर ओवर द इंटायर क्रेडिट गोज टू टू पीपल हियर। वन इज आवर प्रेसिडेंट श्री विश्वरूप मुखोपाध्याय जी, और दूसरी हमारी एक्रेडिटेशन कोऑर्डिनेटर मिसेस सुप्रिया चैटर्जी हैं जो हमारे बगल में बैठी हैं। द ओनली स्कूल इन झारखंड विच इज़ नाबेत एक्रेडिटेड, हमारा पहला स्कूल है ये। तो झारखंड में हम लोग इसमें पाइनियर है, हम लोग फर्स्ट स्कूल हैं जो कि इस एक्रेडिटेशन के लिए हमारे स्कूल ने ये सोचा और हम लोगों ने इसको पाया। तो मैं यही कहना चाहूँगी इस अवसर पर कि हमारे जो टीम जो काम कर रहे थे, डेड नाइट इसमें काम किए हैं, वे सब के सब बधाई के पात्र हैं, और मैं आशा रखती हूँ कि भविष्य में जो हमारे पेरेंट्स हैं, स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, हम लोग उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे, और मैं यह भी आशा रखती हूँ कि निश्चित रूप से हमारे जो स्कूल में टीम काम कर रहे हैं, जो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए जो जो सिस्टम हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, उसको निश्चित रूप से हम लोग ध्यान में रखेंगे, और केवल झारखंड में क्यों बल्कि आने वाले दिनों में या आने वाले वर्षों में हम लोग देश में भी सबसे अच्छा स्कूल होके सामने आएंगे। हरिओम। नाबेत एक्रेडिटेशन एक ऐसा संस्था से दिया जाता है, वो संस्था क्या है कि
नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उनकी क्या रिश्ता है आगे, वो है QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके ब्रांच है, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, क्वालिटी काउंसिल सारे देश में क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले जो भी इंडस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशंस है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको फॉलो करने के लिए, उसको एक्रेडिट करने के लिए ये QCI है, इंटरनेशनल बॉडी। सो इससे पाने से क्या होगा, सबसे पहली बात है ये एक भरोसा के प्रतीक है, जैसे सिग्नेचर ऑफ स्टैंडर्ड, तो उसको जब भी मतलब बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी का चिन्मय विद्यालय में जो भी प्रोसेसेस सिस्टम्स मेंटेन होते हैं, उस प्रोसेसेस सिस्टम को एक थर्ड पार्टी आके उसको बोलते हैं कि यहाँ जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है, ये एक भरोसा के प्रतीक है, जो प्रतीक देखते ही किसी पेरेंट्स से किसी आउटसाइडर को उसको समझ में आ जाता है कि स्कूल में जो भी पढ़ाई लिखाई होते हैं कि अन्य एक्टिविटीज़ होते हैं, दे आर मीटिंग ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जो मिला है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय के लिए, और इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और अनुशासन, तीनों चीज़ हमारे साथ थी। 7-8 साल में बहुत काम हुआ है, काफ़ी ट्रेनिंग हुई है, वर्कशॉप्स हुए हैं, सिस्टम प्रोसीजर बनाए गए हैं, डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं, और बहुत तरह के सर्वे किए गए हैं, फीडबैक लिया गया है, जिससे हमको पता लगा कि हम लोग कहाँ कहाँ हमको सुधार की गुंजाइश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के जो ग्रुप है, हम लोगों का जो परिवार है चिन्मय विद्यालय का, वो इसी तरह निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहेगा। बने रहें thetimesmedia.com पर, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।